दस विकेट से आप हार गए। तो हैरान लोग हो रहे हैं कि सबसे बदतरीन शिकस्त, हम लोग कैटेगरी चेंज हो चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था टॉप फाइव में नहीं है, हम बॉटम फाइव में, और हमारी टीम अलग हो चुकी है। इसमें लोगों को हैरानी की जरूरत नहीं है। अभी तो हारे हैं आयरलैंड से, लेकिन अभी अमेरिका से भी हारे हैं अभी हम लोग, अभी अफगानिस्तान से हारे हैं ना, तो हैरान क्यों होते हो तुम लोग। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खचे उड़ गए, कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बोलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बोलिंग हो जाती है। उड़ा दे, गिरा दे, लिटा दे, अबे लिटा के कर दे, मैं तो कह रहा हूँ आज कर दे अब। अबे मैं क्या पूरी 24 करोड़, अबे कर दे यार, कर दे आज, लिटा दे अब। ये दिन भी देखना था, पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने पिंडी की बेजान पिच पे जान डाल दी और पाकिस्तानी फैंस की जान निकाल ली। कि चुल्लू भर पानी कहां से मिलेगा नादरी, चुल्लू भर पानी, या अल्लाह करे हमें चुल्लू भर पानी मिल जाए, चुकी उसके अंदर हमने डुबकी मारनी है, डुबकी मारकर हमने मरना है। रावलपिंडी के अंदर बंगालियों ने, जनाब बांग्लादेश की उस टीम ने जहां पर शाकिबुल हसन के ऊपर जनाब एफ आई आर हुई है, शाकिबुल हसन का वहां के इदारे ढूंढ रहे हैं, बांग्लादेश की उस टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से नाक रगड़वाई है, बल्कि लकीरें निकलवाई है। और ये भी ये क्राइम है यार, कि क्राइम के जुमरे में आता है सारी चीजें, क्या पब्लिक के, टीम के, बोर्ड के आंखों में धूल झोंक रहे हैं सारे। पता चले ऑस्ट्रेलिया में तो मुश्किल कंडीशंस होती हैं, वहां पे जीतना पाकिस्तान टीम के लिए ऐसे ही है जैसे चांद पे जाना हो गया, मगर पाकिस्तान में आके इन कंडीशंस में आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाएं। अबे रवि राजा आप ठीक कह रहे थे, आई लव यू बाबा आलम, शादी कर लो इससे भाई, भाई शादी कर लो, घर बैठा लो, रोटी और आप कर लो शादी इससे भाई, इन धक्कनों की सर्जरी करो, वरना बांग्लादेश को सेकंड टेस्ट में छोड़ दो, पूरा चढ़ के पेल पाल के इनकी सर्जरी करके नाक बोल निकाल के आगे पीछे करके चले जाए। एक टीम आती है जो बदतरीन पॉलिटिकल अनरेस्ट फेस कर रही है अपने मुल्क में, वो यहाँ आती है, आपको हरा जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया गो फास्ट में। जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान के घर में घुसकर मार दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों, बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान को उसके ही घर में हरा दिया है और इतिहास रच दिया है। इसको लेकर दोस्तों राशिद लतीफ़ और दोस्तों रमीज राजा और दोस्तों शोएब अख्तर जितने भी जितने बड़े बड़े ये यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं और बहुत पहले बहुत ज़्यादा उछल रहे थे कि नहीं बांग्लादेश को हम हरा देंगे और पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा हो गया, बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया पाकिस्तानियों को हरा कर। इसी को लेकर चलिए हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें, जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। चलिए दोस्तों हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारी टेस्ट टीम की वो पेडिग्री नहीं है कि वो कभी टॉप फाइव का सोचें। बोल बच्चन होना या बहुत आराम से आप सोशल मीडिया पे, एक्स पे, ट्विटर पे भाई भाई करना, ईगल्स बना देना, हुंटे ईगल हैज लैंडेड ना, तो किंग्स बना देना, तो किंगडम हो ना, बट किंग हो आप किस बेसिस पे यार, यू आर ब्लडी वेल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। बांग्लादेश ने जी आज मैसिव मैसिव विन, इट टुक देम ऑलमोस्ट 22 एंड अ हाफ इयर्स एंड नाउ दिस फेनोमिनल 10 विकेट विक्ट्री, द वर्स्ट बाय पाकिस्तान एट होम, 2013 वर्सेस जिम्बाब्वे एट हरारे, या 2024 वर्सेस बांग्लादेश रावलपिंडी, कौन सी वर्स्ट एवर डिफीट है पाकिस्तान। इसमें तो इसमें क्या कमाल की क्या बात है, सारी तीनों ही टीमें बराबरी को है, आपको भी ताज्जुब हो रहा है। 10 विकेट से आप हार गए, तो हैरान लोग हो रहे हैं कि सबसे बदतरीन शिकस्त, हम लोग कैटेगरी चेंज हो चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था टॉप फाइव में नहीं है, हम बॉटम फाइव में, और हमारी टीम अलग हो चुकी है। इसमें लोगों को हैरानी की जरूरत नहीं है। अभी तो हारे हैं आयरलैंड से, लेकिन अभी अमेरिका से भी हारे हैं अभी हम लोग, अभी अफगानिस्तान से हारे हैं ना, तो हैरान क्यों होते हो तुम लोग। या तो आप काबिल नहीं है या वो बेवकूफ बना रहे, आंखों में झूल झोंक रहा है, प्लेयर के साथ खड़ा हो गया है वो, टेपिंग करके अगर 130 पे बॉलिंग कर रहे हैं ये लोग तो समथिंग रॉन्ग। शाहीन कैसे नीचे जा सकता है यार, कैसे हो सकता है यार, आपके फास्ट बॉलर्स को क्या हुआ है। मैंने जोफ्रा आर्चर की बात कर ली, जसप्रीत बुमराह की डॉक्टर ने बात की, वो आता 12 महीने के बाद आता है, उसकी पेस तो कम नहीं हो रही, उसकी तो क्रॉनिक इंजरी थी यार, उसकी तो मुश्किल इंजरी थी, वो आके उसी पेस में सबको आउट कर रहा है, दुनिया का नंबर वन बॉलर बना हुआ है। आप टेपिंग करके खेले जा रहे हो, क्रिकेट खिलाया जा रहे हो, और ये भी ये क्राइम है यार, कि क्राइम के जुमरे में आता है सारी चीजें, क्या पब्लिक के, टीम के, बोर्ड के आंखों में धूल झोंक रहे हैं सारे। तो हम तो बोल देते हैं ये तो क्राइम है यार भाई, मेरी इंजरी है, मैं बॉल लेफ्ट हैंड पकड़ ही नहीं सकता, कीपिंग में खेले जा रहा हूँ, मिला लिया साथ में अपने मेडिकल पैनल को, वो खिलाए जा रहे मुझे टेपिंग करके, टेपिंग करके। पाकिस्तान टीम चल रही टेपिंग के ऊपर है यार।
उड़ा दे, गिरा दे, लिटा दे, अबे लिटा के कर दे, मैं तो कह रहा हूँ आज कर दे आप। अबे मैं क्या पूरी 24 करोड़, अबे कर दे यार, कर दे आज, लिटा दे आप। शान को नहीं पता था ना, वो ये कह रहे हमने सोचा नहीं था कि हमको, अबे नहीं पता उसको किसी बुजुर्ग 11 की कप्तानी क्यों नहीं दे देते, एक दूसरे को उठाएंगे हम। अबे मैं क्यों उठाऊंगा, जिंदा थे मेरा दिल नहीं चाह रहा यार, इनके साथ पाकिस्तान लगा हुआ, इनके साथ मेरा जीना आराम कर दिया दोपहर से, फटी भी पजामे साले, ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर लेके ले जाएंगे, इनके पैसे काटो बहुत लगते हैं, ये जिल्लत के बीरार है, जिल्लत की दुकान है, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़े मोहसिन नकवी, बार करो ऐसी की तहसीन को, इन ढक्कनों की सर्जरी करो, वरना बांग्लादेश को सेकंड टेस्ट में छोड़ दो, पूरा चढ़ के पेल पाल के इनकी सर्जरी करके नाक बोल निकाल के आगे पीछे करके चले जाते। 37-38 की उम्र में ठोक के चला गया, शुरू ही नहीं होता, खत्म होता है, तुम्हारी कब्रें बना गया वो अपने साइज की। मेहंदी हसन मिराज रणबी मार के गया तुम्हारे मुंह पे लाना, तुम्हारे रवि राजा आप ठीक कह रहे थे, आई लव यू बाबा राजा, शादी कर लो इससे भाई, शादी कर लो, घर बैठा लो, रोटी कर लो, तुम्हें वो लानत दी है बांग्लादेश ने, अबे तुम गटर में भी डूब जाओ तो निकलोगे फिर भी घंटे के किंगी खिलाओगे, तो दो टके की भी टीम नहीं छोड़ी बांग्लादेश, सुन लो, अगर कल यूएसए को मोनान पटेल की टीम को टेस्ट स्टेटस मिल गया, ये भी पाकिस्तान को हरा देगी, वो तो अक्सर वो आ जाता है ना बीच में। अगर कोई टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए, कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है, सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है, और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है, तो हाल यही होता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं, सीधी साधी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार और लेने के देने पड़ गए, एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है वो वहां से शुरू हुआ है, जो भारत के अगेंस्ट मैच था, फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ज्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, हमारे बॉलर जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, पता चले ऑस्ट्रेलिया में तो मुश्किल कंडीशंस होती हैं, वहां पे जीतना पाकिस्तान टीम के लिए ऐसे ही है जैसे चांद पे जाना हो गया, मगर पाकिस्तान में आके इन कंडीशंस में आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाएं, दौर है यहाँ पे कोई खुश नहीं होता है, चाहे आप मैच जीत लेते तो कहते बांग्लादेश से जीत लिया तो क्या मार्का मार लिया, हार गए हैं तो फिर आपकी बिल्कुल ही छुट्टी हो जाती है। सो ये दिन भी देखना था, पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा है जरा धूम से निकले, बांग्लादेशी स्पिनर्स ने पिंडी की बेजान पिच पे जान डाल दी और पाकिस्तानी फैंस की जान निकाल ली, अनडाउटेडली ये पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की सबसे शर्मनाक शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप में जब यूएसए से हारे थे तो लगा था इससे बुरा और क्या होगा, लेकिन रुको जरा सबर करो, ये होना था, बांग्लादेश आपके होम कंडीशन में आएगी, आपके होम ग्राउंड के सामने आपको शिकस्त देगी, आप सेकेंड टीयर टीम है, सेकेंड टीयर टीम पिछले 5 सालों से पांचवें छठे नंबर के बाद जो टीमें आती है ना उनमें आपका शुमार होता है, और अब तो वो भी नहीं, ख्वाब आप देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के, अगर ख्वाब में भी कभी आ रहा हो ना कि आप WTC का फाइनल खेल रहे हैं, अपने आप को जगाइए, क्योंकि हम उस लायक नहीं है, ये है हमारी एक्चुअल पोजिशन जो आज हमने देखी है, जो टीम अपने मुल्क में अपनी कंडीशन में आखिरी दिन 2 सेशन ठीक से खड़ी ना हो सके, सिर्फ टाइम जाया ना कर सके, दिन ना निकाल सके, वो क्या बातें सोच रहे हैं कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे और अपने मुल्क को क्रिकेट का किला बनाएंगे। एक टीम आती है जो बदतरीन पॉलिटिकल अनरेस्ट फेस कर रही है अपने मुल्क में, वो यहां आती है आपको हरा जाती है, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि हमने टेस्ट क्रिकेट का क्या हाल किया है, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट ओवरऑल दुनिया में, कोई अगर टेस्ट क्रिकेट देखना चाहेगा तो यह मैच देख के उसका दिल नहीं चाहेगा कि वाइंदा कभी देखे। चुल्लू भर पानी कहां से मिलेगा नादरी, चुल्लू भर पानी, अल्लाह करे हमें चुल्लू भर पानी मिल जाए, चूंकि उसके अंदर हमने डुबकी मारनी है, डुबकी मारकर हमने मरना है। रावलपिंडी के अंदर बंगालियों ने जनाब बांग्लादेश की उस टीम ने जहां पर शाकिब अल हसन के ऊपर जनाब FIR हुई हुई है, शाकिब अल हसन का वहां के इदारे ढूंढ रहे हैं, बांग्लादेश की उस टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से नाक रगड़वाई है, बल्कि लकीरें निकलवाई है, लिटरली नाक रगड़वाकर निकले लकीरें पाकिस्तान ने, बूब जेदा किंग, मेरे ख्याल में एक हल है, एक हल है और वो हल ही है कि हमें कच्चे के डाकू के पास टीम को भेजना चाहिए, वो इन्हें ट्रेन करें, वो इन्हें समझाएं किसी तरीके से, इनके दिमागों के अंदर ये चीज डालें कि भाई आप इस मुल्क के एम्बेसडर्स हो, स्कोर के अंदर घपला कर दी उसके बाद ही हम जीत सकते हैं, नहीं तो बंगाली ने और लिटरली ये लितर मारने हैं, लितर मारने उन्हें छोड़ना नहीं हमें।